तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्लाइंड और डिब्लाइंड क्या होता है। ठीक है, रिफाइनरी में मैकेनिकल फिटर या जनरल फिटर जो भी रहता है उसका जो काम रहता है बहुत स्पेशल काम रहता है। ब्लाइंड और डिब्लाइंड इंटरव्यू अक्सर में इंटरव्यू और अक्सर पूछता है कि ब्लाइंड डिब्लाइंड क्या होता है। तो ये देखिए, ब्लाइंड है डिब्लाइंड है, इसका दूसरा नाम होता है स्पेंडिंग और डिस्पेंडिंग। एक प्लेट होता है, ठीक है, एक प्लेट होता है गोलाकार और यहाँ पे डंडी रहता पकड़ने वाला। ये मान लीजिए कि ये डिस्टिलेशन कॉलम है, इसके साथ बहुत सारा पाइप जुड़ा रहता है। ठीक है, बहुत सारा पाइप इसके साथ जुड़ा रहता है। यहाँ पे दो पाइप का जॉइंट के बीच में जब इसको इस प्लेट को डाल दिया जाता है और खोल के सारे नट बोल्ट खोल के इसको डाल दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है, तो उसी चीज़ को कहते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब क्लोज। ठीक है, जब यही वाला प्लेट को निकाल दिया जाता है तो उस चीज़ को डीप लाइन कहा जाता है, जिसको कहा जाता है ओपन। जब इसका अंदर मेंटेनेंस का काम चल रहा होता है तो जितना भी है, एक दो तीन चार पाँच छः जितना भी इसके साथ कनेक्शन है, सारा लाइन को बंद कर दिया जाता है, यानी कि पूरा को ब्लाइंड कर दिया जाता है। उसके बाद इसके अंदर आदमी घुसता है, मैनवे होता है। ठीक है, मैनवे होता है, बड़ा सा मैनवे होता है। यहाँ से आदमी घुसता है अंदर में, इसका क्लीनिंग व्लीनिंग करता है, फिर यहाँ से अंदर आदमी घुसता है, क्लीनिंग व्लीनिंग करता है, फिर क्लीनिंग में करते हुए बाहर निकलता है, फिर यहाँ से क्लीनिंग व्लीनिंग करते हुए बाहर निकलता है। ब्लाइंड कर लेता है, उसके बाद अंदर में आदमी घुसता है, उसके बाद से क्लीनिंग व्लीनिंग करके बाहर निकलता है, उसके बाद से फिर उसको डिब्लाइंड कर दिया जाता है। यानी कि इस प्लेट को जो दोनों पाइप के बीच में, जो दोनों दो फ्लांज के बीच में इसमें डाला गया था, उसको निकाल दिया जाता है, फिर से नट बोल्ट्स को कस दिया जाता है। बस इतना ही है ब्लाइंड और डिब्लाइंड का कहानी, बस और कुछ नहीं।